नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सबको बता चुका हूँ कि कुछ वक्तों के द्वारा शाहरुख खान के खिलाफ नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट किया गया था। उसी की काउंटर में शाहरुख खान फैंस ने भी एक ट्रेंड स्टार्ट किए हैं, हैशटैग शाहरुख शान है भाजपा गद्दार। यस, एक्चुअली शाहरुख खान के कुछ हेटर्स और वक्त मिलकर शाहरुख खान के खिलाफ ट्विटर में हैशटैग शाहरुख खान गद्दार है इस ट्रेंड को स्टार्ट किए थे। मतलब शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार जिन्होंने भारत की नाम इतनी रोशन किए हैं, भारत की हर मुश्किल सिचुएशन में साथ खड़ा रहे, कोविड क्राइसिस में भी 100 करोड़ से भी डोनेशन कर चुके हैं और अब भी उनकी फाउंडेशन काम करते आ रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा चैरिटी, इतनी ज़्यादा लॉयल्टी, इतनी शाहरुख खान देश की नाम रोशन की है विदेश में, उसके बाद में भी शाहरुख खान के खिलाफ इस टाइप की टैग, इस टाइप की नफरत आपको देखने को मिल रहा है। यही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शाहरुख खान जैसे स्टार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए बने हैं। ऐसे में फिलहाल शाहरुख खान के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा के साथ लिंक पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सबको पता है कि नवाब मलिक ने इसको एक्सपोज किए थे किस तरीके से एनसीबी एंड भाजपा की लिंक किस रेट में है। तो शाहरुख खान के खिलाफ जो ट्रेंड स्टार्ट किए थे वक्तों ने, उसकी काउंटर में शाहरुख खान फैंस की जो हैशटैग है, हैशटैग शाहरुख खान है भाजपा गद्दार, वो अभी ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप लोग आपकी टेक बताइए, जहां आर्यन खान ने ना तो कोई ड्रग कंज्यूम किए हैं और ना ही आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग बरामद हुआ है, उसके बावजूद आर्यन खान के खिलाफ धाराएं लगना, फिर एनसीबी की गिरफ्तार करना, क्या कुछ आपको षड्यंत्र के आभास लगते हैं? कॉमेंट सेक्शन में आपकी ओपिनियन बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।